आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पर इस बार पाकिस्तान कर रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगी या नहीं, ये अब तक तय नहीं हो सका। दूसरी ओर आईसीसी के सीईओ ने अपने बयान में साफ कर दिया है, आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी इस बार पाकिस्तान की मेजबानी में खेली जाएगी। टीम इंडिया सुरक्षा कारणों से लंबे समय से पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रही है। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान में खेले जाने वाले सभी मैच को हाइब्रिड मॉडल के तौर पर किसी अन्य देश में खेले हैं। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान से मेजबानी छीनी जा सकती है या फिर पाकिस्तान को किस मॉडल के तहत मैच खिलाया जाएगा। इसका जवाब खुद आईसीसी के सीईओ ने दिया है। आईसीसी के सीईओ ने यानी कि जियो एलआरडिस ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है। अब तक किसी भी टीम ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा करने में अनिच्छा नहीं दिखाई है। ऐसे में पाकिस्तान से इस टूर्नामेंट को स्थानांतरित करने का कोई औचित्य नहीं है। पाकिस्तान में आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए टीम इंडिया वहां का दौरा करेगी या नहीं, इस पर अब तक बीसीसीआई या भारत सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। माना जा रहा है कि टीम इंडिया हाइब्रिड मॉडल पर ही इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी, लेकिन इस पर भी अब तक किसी भी तरह की जानकारी सामने नहीं आ पाई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भरोसा है कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। पीसीबी का कहना है कि इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों को उनके देश का दौरा किया है सिवाय भारतीय क्रिकेट टीम को छोड़कर। भारत पास इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए नहीं आने की कोई पुख्ता वजह नहीं है। फरवरी मार्च 2025 में प्रस्तावित इस टूर्नामेंट के सभी मैच कराची, रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। भारतीय टीम की सुरक्षा को देखते हुए भारत के सभी मैच लाहौर में रखे गए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।